प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा सातवीं का विज्ञान है। अध्याय 16, जल एक बहुमूल्य संसाधन। और इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य? क है, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, तो यह है सत्य। ख, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। असत्य है ये, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के निवासी भी जल की कमी का समस्या का सामना करते हैं। ग है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। यह भी असत्य है, क्योंकि नदियों का जल अन्य कामों में भी उपयोग होता है। ग है, वर्षा जल का चरम स्रोत है। वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो ये सत्य है। प्रश्न नंबर 2, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो वर्षा का जल नदियों, ये देखो, भौम जल मतलब भूमि का जल की पुनः पूर्ति, वर्षा का जल नदियों, तालाबों, भूमि की दरारों एवं रिक्त स्थानों में भर जाता है। इस प्रकार भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप मतलब ट्यूबवेल लगाए गए हैं, भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा? देखो, ट्यूबवेल मतलब बोरिंग, जो है बोरिंग करते हैं, तो 50 घर हैं गली में, मतलब किसी कॉलोनी में 50 घर हैं और उसके अंदर 10 घरों में ऐसे हैं कि ट्यूबवेल की हुए हैं, बोरिंग की हुई है, तो भौम जल स्तर पर इसका दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा, मतलब भविष्य में इसका भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नलकूपों में, मतलब नलकूप, ट्यूबवेल या बोरिंग में भौम जल का स्तर कुछ वर्षों बाद नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये एक निश्चित गहराई तक किए जाते हैं। कहीं पर 400 फीट पर पानी निकल आता है, कहीं पर 500 पर, कहीं पर 600 पर, तो जितने फीट पर भी उनकी गहराई की हुई है वहाँ पर एक कोई पानी की जो है धारा निकलती है, उससे पानी ऊपर आता है या लेते हैं अपन, तो वो जो है एक समय के बाद में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नलकूपों में भूम जल का स्तर कुछ वर्षों बाद नीचे चला जाएगा और फिर इससे इनसे जल नहीं निकाला जा सकेगा। हालांकि ऐसा जो है, जहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी ट्यूबवेल में जिस स्तर पे, वहाँ पर ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो ये कदम उठाएंगे, नंबर 1 है, पौधों की सिंचाई करने के लिए ड्रिपिंग तकनीक का, बूंद बूंद तकनीक, ड्रिपिंग तकनीक का उपयोग करेंगे। नंबर 2, बगीचे में वर्षा जल के संग्रहण की व्यवस्था करेंगे, मतलब बगीचे में कोनों पे या खाली जगह जहाँ पर भी है वहाँ गड्ढे कर देंगे ताकि वर्षा का जल वहाँ पर भर जाए और पूरे बगीचे के लिए वो साल भर काम में आए। नंबर 3 है, जल को अनावश्यक बहने से रोकेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पौधों में पानी दे रहे हैं और पानी बह रहा है और बाहर जा रहा है। नंबर 4, घरों में उपयोग किए गए जल का उपयोग बगीचे के पौधों को सींचने में करेंगे, जैसे कपड़े धोने के बाद में, नहाने के बाद में, जो घर के दैनिक कार्य होते हैं उनमें जो पानी की जो बचता है उनको अपन क्या करते हैं, घर में ही या तो गमलों में डाल देते हैं या कहीं पर भी। तो यदि बगीचे का रखरखाव की जिम्मेदारी हमें को दी है तो ऐसे आसपास के घरों से पानी लेकर हम बगीचे में पौधों की सिंचाई का काम करेंगे। प्रश्न नंबर 5, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि निर्माण कार्य बढ़ेंगे, मकान बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां बनेगी, तो इनको बनाने में जो है वो पानी का उपयोग होता है। औद्योगिक मतलब उद्योग धंधे लगेंगे तो वहाँ पर भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती है, वहाँ पर भी पानी लगता है। और कृषि गतिविधियों में तो पानी लगता ही है,
बिना पानी के कृषि गतिविधियां संपन्न हो ही नहीं सकती आदि भूमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भूमजल स्तर को नीचा कर सकता है। मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, पानी मतलब अल्प वर्षा होती है तो वहाँ पर एक तो पहले से ही जमीन जो है सूखी है और अल्प वर्षा से वो पूरी नम भी नहीं हो पाती, तो वहाँ जल स्तर जो है वो नीचे चले जाता है। और ऐसे क्षेत्र में अगर बोरिंग हो तो स्तर तो काफ़ी नीचे जाना ही है। भूमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वनोन्मूलन, मतलब कि वनों की कटाई, क्योंकि वन जो होते हैं वो जितने ज़्यादा वन लगाते हैं वो क्या करते हैं, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, जो विद्युत में पढ़ते हैं हम, तो बादल जो है वो जितने ज़्यादा मतलब कि पेड़ पौधे होंगे वो पेड़ पौधे बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई हो जाएगी तो वो बादलों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे और वर्षा नहीं हो पाएगी। और जल के रिसाव के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी, रिसाव के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी, तो ये है उत्तरदायी कारक। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। क है भूम जल प्राप्त करने के लिए तथा का उपयोग होता है, तो ये है कुओं तथा नलकूपों का या ट्यूबवेल का या बोरिंग का उपयोग होता है। ख है जल की तीन अवस्थाएं, जल की तीन अवस्थाएं कौन सी है, ठोस, द्रव और वाष्प, या ठोस, द्रव और गैस। तो ये जल की वाष्प भी है और गैस भी बोल सकते हैं इसको, ये जल की तीन अवस्थाएं हैं। ग है भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है, इसको बोलते हैं मझभोल, मझभोल जो है भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है। घ है भूमि में जल के अवस्त्रवण मतलब रिसाव के प्रक्रम को कहते हैं, इसको बोलते हैं भूमजल दोहन, भूमजल का दोहन या प्रक्रम को दोहन कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क है औद्योगिकरण में वृद्धि, ख बढ़ती जनसंख्या, ग अत्यधिक वर्षा और घ जल संसाधनों का कुप्रबंधन। इसमें सही उत्तर है ग अत्यधिक वर्षा। प्रश्न नंबर 8 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत मतलब स्थिर रहती है, तो और ख है भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ग विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, घ विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। सही उत्तर है इसमें घ विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। प्रश्न नंबर 9 है, भूम जल और भूम जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए मतलब नामांकित कीजिए। तो ये है भूमजल और भूमजल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र है, जिसमें यहाँ पर ये नदी है या झील है और ये भूमजल है, ये भूमि का जल है, और ये हैंडपम्प है, ये हैंडपम्प, ये पेड़ है, ये बादल है, और ये जल भराव का क्षेत्र है, जलभर है, और ये भूमजल है, और ये पुनःपूर्ति किस प्रकार से होती है, ये जो बादल से पानी गिर रहा है वो बादल से पानी गिर रहा था, कहाँ जा रहा है, वो भूमि पर भी जा रहा है, और इसके द्वारा ये कहाँ पर जा रहा है, हैंडपम्प को जीवित भी कर रहा है, और ये नदी और झीलों में भी जा रहा है, और नदी और झीलों से ये अन्य जगह पर जाता है, और इसका उपयोग हम सिंचाई के लिए भी करते हैं, और ये पानी जो है वो भूमि के अंदर अवशोषित भी होता है भूमजल के रूप में। तो आपने देखा ये कक्षा 7वीं का विज्ञान अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन के प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।